आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तहतर। नमस्कार, मैं हूँ सादिया खान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तहतर। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी लखनऊ, जय हिंद ड्राई क्लीनर्स एंड डायर्स, स्मॉल पार्टी वाले, दी फूड ऑन योर डोर। निजी स्कूलों के मनमाने रवैये से आम जनता परेशान है, खासकर फीस को लेकर। कोरोना काल व लॉकडाउन के चलते जहां सभी परेशान हैं, 2 जून की रोजी रोटी के लिए आम जनता परेशान है, वहीं निजी स्कूल अभिभावकों पर फीस के लिए जबरदस्ती दबाव डाल रहे हैं। स्कूलों से धमकी भरे फोन भी आते हैं कि अगर फीस नहीं जमा हुई तो बच्चे का नाम काट दिया जाएगा और उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। इन्हीं सब बातों को लेकर आज लखनऊ में वकीलों ने प्रदर्शन किया। लखनऊ में वकीलों के होने वाले प्रदर्शन को पुलिस प्रशासन ने परिवर्तन चौक पर रोक दिया, जिसके चलते सभी वकील चौराहे पर ही बैठ गए। वकीलों द्वारा उत्तर प्रदेश में स्कूल फीस माफी की मांग को लेकर किया जा रहा है प्रदर्शन। लखनऊ के गंज का पूरा इलाका छावनी में हुआ तब्दील, पुलिस मान मनोवल में जुटी। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि फीस माफी के लिए सरकार द्वारा कोई भी आदेश नहीं आया है, लेकिन लखनऊ के बेसिक शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार ने पिछले दिनों कहा था कि स्कूल फीस के लिए दबाव नहीं बना सकते। कोरोना संक्रमण में स्कूल शिक्षक अभिभावक सभी परेशान हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार ने कहा था कि कोई भी निजी स्कूल फीस न जमा होने के कारण बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से दूर न रखें। उन्होंने कहा था कि अभी तक 3 महीने की फीस माफ करने के संबंध में कोई आदेश नहीं हुए हैं। शासन ने अभिभावकों को फीस जमा करने को कहा था। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि वह फीस के लिए दबाव नहीं बना सकते हैं और न ही किसी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। न्यूज लाइव संवाददाता विजय चंद तिवारी की रिपोर्ट। मेरा नाम अनीस राजा है। क्या पोस्ट है आपकी? मैं अधिवक्ता हूँ। देखिए, जब से इस देश में लॉकडाउन की व्यवस्था की गई, अधिवक्ता से लेकर देश के एक एक नागरिकों ने लॉकडाउन का पूरी ईमानदारी के साथ पूरा पालन किया है, उसमें हम अधिवक्ताओं ने भी पूरा ईमानदारी के साथ उसका पालन किया है। लॉकडाउन के कारण हर व्यक्ति की रोजगार खत्म हो चुका है, हम अधिवक्ताओं का भी रोजगार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसी के बाद जहाँ रोजगार किसी के पास बचा नहीं है, 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को पालने के लिए, 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम जहाँ अधिवक्ता भाई हमारे नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ फीस की, जो स्कूलों की फीस, सरकारी स्कूल की फीस, प्राइवेट स्कूल की फीस, तमाम स्कूलों की फीस ज़बरदस्ती हम लोग वसूली जा रही है। हमारे अधिवक्ता भाई पूरी तरह से निर्दोष हैं अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। अभी क्या डिमांड है सरकार? स्कूल की जो फीस है उसको पूरी तरह से सरकार उसको वापस दे, ये हमारी। हम लोग विधानसभा जा रहे थे, पुलिस ने हम लोग को यहाँ पर। सीतापुर में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर नगर इकाई की कार्यकारिणी की घोषणा प्रेम नगर स्थित संघ कार्यालय पर सम्पन्न हुई। मुख्य रूप से प्रांत मंत्री अंकित शुक्ला मौजूद रहे। प्रांत मंत्री अंकित कुमार शुक्ला ने बताया कि विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही कॉलेज कैंपस के युवाओं को संगठित कर एक राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़कर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व देने का काम करता है। इसी क्रम में प्रतिवर्ष नगर कार्यकारिणी की घोषणा की जाती है। चुनाव अधिकारी विभाग प्रमुख रूपेश अवस्थी ने वर्ष 2020-21 के लिए गांधी डिग्री कॉलेज के बीएड विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर संजीव शुक्ला को नगर अध्यक्ष मनोनीत किया है। वहीं आरएमपी डिग्री कॉलेज के बीए द्वितीय वर्ष के छात्र अंबुज मौर्य को नगर मंत्री की घोषणा की गई। नगर उपाध्यक्ष वेद प्रकाश त्रिपाठी, रोली मिश्रा, शालिनी साहनी, अरुलेश तिवारी, कृष्ण कुमार राठौर बनाए गए। नगर सह मंत्री की जिम्मेदारी मंजीत गौतम, प्रबल वाजपेयी, क्षमा वर्मा, आकाश मिश्रा, ललित यादव, अर्पित शर्मा को दी गई। नगर SFD प्रमुख दुर्गेश दीक्षित व सह SFD प्रमुख हिमांशु कुमार, नगर SFS प्रमुख शीतल कुमार, नगर कला मंच प्रमुख ज्योति व हर्षित गुप्ता बनाए गए। नगर मीडिया प्रमुख की जिम्मेदारी विशाल कश्यप को दी गई। वहीं नगर सोशल मीडिया प्रमुख हर्षित मिश्रा व सह प्रमुख सौरव यादव को मनोनीत किया गया।
नगर कार्यकारिणी सदस्य पंकज यादव, आयुष शुक्ला, निशान शुक्ला, राजन तरुण, अभिषेक घोषित किए गए। नगर संपर्क प्रमुख की जिम्मेदारी मनीष सिंह व सह प्रमुख विकास शर्मा को दी गई। नगर डिग्री कॉलेज प्रमुख अमर सिंह व नगर छात्रा प्रमुख ज्योति मिश्रा को घोषित किया गया। नगर छात्रावास प्रमुख की जिम्मेदारी सतीश अर्कवंशी, सह प्रमुख दिवाकर वैश्य बनाए गए। नगर आंदोलन प्रमुख सिद्धार्थ मिश्रा को मनोनीत किया गया। महमूदाबाद नगर कार्यकारिणी की घोषणा में धर्मेंद्र कुमार नगर अध्यक्ष व अभिषेक ठाकुर नगर मंत्री मनोनीत किए गए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पुष्पेंद्र वाजपेयी ने सभी नवनिर्वाचित दायित्ववान कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए सीतापुर जनपद में संगठन को और अधिक मजबूती प्रदान करने हेतु आग्रह किया। इस अवसर पर विभाग संगठन मंत्री पंकज पाठक, जिला प्रमुख मनु शर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुमित मिश्रा, जिला सह संयोजक आकाश अविनाश अम्बु सिंह आदि लोग मौजूद रहे। सिधौली से हमारे संवाददाता सनोज मिश्रा की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद सीतापुर के लोकप्रिय हरदिल अजीज सभासद वार्ड गदियाना से लगातार 6 बार सभासद रहे प्रमोद श्रीवास्तव उर्फ प्रमोद लाला का सोमवार देर रात लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में निधन हो गया। वो काफी समय से दिल की बीमारी से परेशान चल रहे थे। दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। श्री श्रीवास्तव अपने पीछे 2 बेटे, 1 बेटी व पत्नी छोड़ गए। मौत की सूचना मिलने पर पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं सोशल मीडिया पर शुभ चिंतकों ने शोक संवेदना व्यक्त की। सीतापुर से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अब समय हो चुका है ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करें और आइकन बेल दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक।